तैयारियां देख रहे, जितनी पुलिस है क्या लग रहा है? भीम भाई दोस्त, शोभा यात्रा हमारी हर वर्ष की तरह निकली, लेकिन पिछली बार कुछ बाहर के लोगों ने जो माहौल खराब करने का काम किया था, इसलिए थोड़ी ये प्रशासनिक व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी। लेकिन मेवात में भाईचारा है, जो पीछे से आपको देखने को मिल रहा होगा, आप आए होंगे वहां से गुड़गांव दिल्ली से, हर गांव में हर बस स्टैंड पर हमारे मेवात के लोग यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा भाईचारा है, आपस में हम काफी एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर के मनाते हैं। और जहां तक यात्रा की बात मैं करूं, हमारे मेवात में जो शिव जी बोले हैं वो दादा आदम हमारे मुसलमान भाई मानते हैं, और हमारी दादी पार्वती को दादी हवा के उसे कहते हैं। तो कहते हैं हमारे जो पूर्वज, हमारे जो महापुरुष एक थे और जो हम एक संतान, लेकिन किसी कारणवशों से उनको जो के करना पड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ जितना भाईचारा हमारे मेवात में, किसी इलाके में इतना भाईचारा नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ शोभा यात्रा में आए, कितनी भीड़ की उम्मीद है आज? जो श्रद्धालु व्यक्ति जो भी जलाभिषेक यात्रा में जाना चाहेंगे उनके लिए स्वागत है, वो सब लोग आएंगे। अब तो शाम तक कितने लोग आते हैं, मेरा लाख आदमी यहाँ पाएगा, पूरा भरोसा सबको, शांति भाईचारे। बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा, आपने देखा होगा हर अड्डे पर, हर बस स्टैंड पर हर मेवात का आदमी स्वागत के लिए तैयार खड़ा हुआ है।